मिश्रण है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखें तो मनुष्य ने अपनी सारी जो प्राणियों और मनुष्य ने अपने सारे जो हाव भाव उसके संकेत और चित्र उनके द्वारा मनुष्य को कुछ ऐसी ध्वनियां और कर्मों के द्वारा अलग अलग लिपियों को देखा गया। इसी लिपियों में भाषा का घटक और उसका महत्व का रूल हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से समयांतर में क्या हुआ कि अलग अलग विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग किया गया। इसी भाषा को सृजनात्मक रूपों में साहित्य का सृजन किया गया। हम यहाँ पे देखें तो प्राचीन काल में भारतीय जो साहित्य है उसके अंदर विविधता और विशिष्टता का महत्व दिया गया। किस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत के विद्वानों के द्वारा प्राचीन साहित्य के टू पार्ट दिए गए, दो भाग दिए गए। कौन से? तो पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है प्रशिष्ट साहित्य, यानी कि वैदिक साहित्य और प्रशिष्ट साहित्य। इसके उपरांत अलग अलग लोक बोलियां और लोक भाषाओं के कारण अलग अलग ऐसे ग्रंथ हैं वो रचे गए जिसकी यहाँ पे बात की गई है। इतने तक हमने देखा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य में किस तरह से भारत फेमस है। तो यहाँ पे हम देखें तो भारत के इतिहास में हम हमारे नजरिए से देखें तो अलग अलग सदियों के द्वारा भाषाओं का विविध उद्भव हुआ। किस तरह से? तो भाषाओं में एक दूसरे के साथ उसको असर करते हुए इस तरह से प्रभाव पड़ा कि भाषाओं का समृद्ध साहित्य में परिवर्तन आया। अब हम यहाँ पे देखें तो इसके परिणाम में क्या हुआ, तो नई नई भाषाएं और नए नए साहित्य का सर्जन हुआ। इसका हम उत्तम उदाहरण देखें तो उसका उत्तम उदाहरण हम देखें तो वो है संस्कृत। किस तरह से वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होने लगा। धार्मिक कार्य में, पूजाओं में, अलग अलग विविध विधियों में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। सामान्य रूप से हम देखें तो मनुष्य की अभिव्यक्ति को झेलने के लिए उत्तम ऐसी भाषा हमें यहाँ पे मिलती है। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारत की लिपि को हड़प्पा समय की संस्कृति में जब हमने देखा तो वहां की लिपि क्या था कि आज तक भी हम उसे पता नहीं लगा पाए कि किस तरह से वो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ पे नहीं देख पाए। इसी तरह से उसी समय के लोगों की भाषा है वो कुछ थोड़ी माहिती हमें इस तरह से मिलती है। अब यहाँ पे देखें तो महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्र माना जाता है, यानी कि ग्रामेटिकल ऑथर हमें किसको माना गया है, तो पाणिनि को माना गया है। इसी दौरान अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना है वो कौन सी सेंचुरी में हुई, तो 4th century में हुई। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा और ऋषियों की भाषा के नाम से और विद्वानों की भाषा के नाम से जाना जाता है। आज के समय में हम यहाँ पे देखें तो विश्व की कक्षा में सर्वस्वीकृत हम देखें तो सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा यूजफुल हुई है। संस्कृत भाषा के हम सबसे ज्यादा देखें तो धर्म, तत्वज्ञान और ज्ञान और साइंस की भाषा इसे माना जाता है। देखा आपने कि किस तरह से भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किस तरह से भारतीय संस्कृति है वो सबसे आगे है। इसी दौरान हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनिशिएंट इंडियन लिटरेचर, यानी कि प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य में क्या था, तो उसके अंदर वेद, यानी कि जो वेदास है, अब चार वेद हैं, कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। किस तरह से? इसके अंदर 1028 ऋचाएं दी गई है। इसके अंदर, इस ऋचाओं के अंदर ऋग्वेद में जो है वो 10 भाग में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। इसी ऋचाओं में सबसे ज्यादा देवों को लगती हुई स्तुतियां हैं। इसी स्तुतियों में यज्ञ के रूप में दिखा जाता है। इसके अंदर उषा को संबंधित करते हुए कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो मनमोहक हैं। इसके अंदर सप्त सिंधु प्रदेश में आए हुए जो आर्य हैं उसकी राजकीय, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक
कार्तिक वागरों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के हम यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद बात के जो तीन और ऋग्वेद है उसके अंदर क्या है तो हम देखें तो ऋग्वेद के बाद दूसरे तीन वेद है उसकी रचना है वो सामवेद ऋग्वेद और ऋचाओं का गान करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम देखें तो इसका श्लोक और राग और लय के साथ गाया जाता है और संगीत की उसे गंगोत्री कहते हैं। किसे कहते हैं तो सामवेद को। सामवेद ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसे वर्सेस दिए गए हैं ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिसे हम गा कर ही देख सकते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के अंदर क्या है तो अथर्ववेद में अलग अलग कर्मकांड और संस्कारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद है वो क्या है तो यज्ञ का वेद कहा जाता है। इसके वेद के अंदर गद्य और पद्य के यानी कि पोयम और प्रोज के रूप में यहाँ पे दिया गया है। यज्ञ करते समय जो बोले जाते मंत्र हैं क्रियाएं